और फिलहाल जियो मेरी जान मूवी की जो यहां पे स्पेशल यूनिट आई हुई है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उनके डायरेक्टर आदरणीय श्री अनंजय भैया जी, सर मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि प्लीज आप मंच पे आए। प्रोड्यूसर मनोज नारायण जी, कैमरामैन प्रोड्यूसर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारे, प्रोड्यूसर साहब स्वागत है, अभिनंदन है आपका। एंड इस फिल्म की प्रीवियस्ट हीरोइन रूपाली जी, वुड यू प्लीज कम हियर। एंड सपना जी, स्वागत अभिनंदन आप सबका। जियो मेरी जान जिसकी बात, रियली वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर मैं चाहूंगा कि संजय भैया इस फिल्म के बारे में कुछ आप हमें बताइए, यूनिट में से कोई भी एक शख्सियत सरफेस। नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। और बड़ा अच्छा लगा था यहाँ ये माहौल देख के, ये पूरा परिवार के देख के, पवन जी पानी जाहिर सी बात बटे माहौल तो बनिए थे जहाँ पवन जी रहे। तो यहाँ के कहनी यहाँ फिल्म के बारे में बता रहे थे, हम कई को फिल्म बनेगी पहले एज ए प्रोड्यूसर भी बनेगी, एज ए डायरेक्टर भी, लेकिन ये फिल्म हमारा दिल के इतना करीब हुआ कि 3-4 साल पहले हम पवन जी के ही सुनी थी ये स्टोरी, और हमारा जिद रहे कि कुछ भी हो जाए बनाए तो पवन जी के साथ ही ये फिल्म बनाए। कारण कि इसमें जितना वेरिएशन बा एक एक्टर के लेके एक अभिनेता के हिसाब से, तो हमारा के ये स्टेज पे कर ये मंच से हम कहती कि पवन जी के अलावा वो में केहू आज तक ना दिखल, बाकी सब केहू हमारे मित्र वालों, हमारे यार दोस्त वालों इंडस्ट्री में जरूर मिल, लेकिन एक अद्भुत सिनेमा बनी और हमने के प्रयास करता नहीं जा पवन जी के सहयोग, यहाँ कभी वादा के लिए नहीं कि कई लेकर साथ ही कही गई, और जब वक्त आई तो लगभग सारा लोगों के डेट्स और मतलब काफी इनके व्यस्तता में सब लोग जानता पूरा दुनिया जानता था कितना व्यस्त बनिया गया, और बावजूद भी ये फिल्म के तरजीह सबसे पहले यहाँ के लिए एक खातिर बहुत बहुत हम आभारी बनी, और जौना शिद्दत से यहाँ के काम कर पानी ऐसा पहला दिन रहा सर, पूरा यूनिट के लोग, यहाँ के लोग, यहाँ के परफॉर्मेंस और जोन इन्वॉल्वमेंट, जोन पॉजिटिविटी एक आई है, सब लोग मुग्ध हो गए कि कमाल का सिनेमा बन रहा है, और मुझे लगता है कि शायद उम्मीद करता हूँ कि पवन जी रियली में अच्छा बनेगा, और मैंने जो वादा किया है आपसे कि मेरे कैरियर की ये सबसे बेहतर फिल्म होगी और सबसे बेहतर फिल्म बनाऊंगा, ये मैं पूरा करूंगा। जियो मेरी जान, थैंक यू सो मच। और दो शब्द कहूंगा, हमारी जो हीरोइन है रूपाली जी, ये मेरे ख्याल से पहली बार भोजपुरी में आई है, और सपना जी हैं, सपना जी तो लगभग ऑलमोस्ट ये लोग जानते हैं, वो इन दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है, और ये लोग बहुत काफी मेहनत कर रही है, और सबसे ज्यादा मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस मंच पे जो पर्सनली नहीं बताया, जिन जिन को मैंने सिर्फ और सिर्फ ये मराठी सिनेमा से है रूपाली जी, तो जिन जिन को मैंने पवन जी का सिर्फ नाम बताया बाकी कुछ पूछा ही नहीं लोगों ने, कुछ नहीं पूछा, बोले कि पवन जी के साथ कौन सा के साथ काम करना है, ये तो बोले कि सर बाकी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना, मतलब मैं आ रही हूँ, और इसका गवाह हमारे मनोज नारायण भैया भी है कि मतलब किस तरीके से और किस तरीके से इन लोगों ने इमीडिएट सब कुछ ये करके कि नहीं करना है, तो है बात तो है, जियो मेरी जान, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रूपाली जी स्वागत है आपका, और ऐसा ही रोहन भैया ऑलवेज नई चीजों को भोजपुरी में लाते रहते हैं, भोजपुरी में इन्होंने हिंदी लाया, भोजपुरी में अब कुछ दिन बाद मराठी में नजर आने वाली है, isn't it? तो आप देख सकते हैं, और नो डाउट पवन भैया का नाम है यार, पवन मतलब कि कहीं भी हर जगह, बिना जहां पवन नहीं वहां पे सांस नहीं, और जहां पे सांस नहीं वहां पे आस नहीं, सिंपल सी बात है, जहां पे आस नहीं वहां जीवन बकवास, सिंपल सी बात है, पवन जी का रहना जरूरी है सर, हवाओं को किसने रोका है, किसने नहीं, और आप हर दिल में, भाई ने वहां से चिल्लाकर बोला कि सिर्फ दीपक भैया पवन जी को दिखला दीजिएगा, मेरी यही विषय कि पवन भैया 2-3 महीने बाद म्यूजिक बैंड में एक गाना और दे देना प्लीज, रियली बोल रहा हूँ, हम झूमना चाहते हैं, मतलब मौज करना चाहते हैं।